कौन वाला बेटा? अभी पूछ लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चों कोई क्वेश्चन पढ़ेगा कि हम ही पढ़े? साक्षी बेटा पढ़िए। इन एक्शन वन कैंडिडेट कैंडिडेट हाँ कैंडिडेट वॉट 54,285 votes. बच्चों आप लोग जानते हो इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन जानते हो? जानते हैं इलेक्शन, व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन जानते हैं आप लोग? इलेक्शन क्या होता है? पापा को देखा होगा, गए होंगे इलेक्शन वोट देने, उनके हाथ में यहाँ पे इंक लग रही होगी, जब आए होंगे वापस, अभी देखा पापा को मम्मी को जाते हुए वोट देने? yes, जाते हैं तो आते हैं। yes, sir. तो क्या होता है, आते हैं तो उनके हाथ में क्या लगा रहता है? इंक लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इसका मतलब होता है कि उन्होंने वोट दे दिया, ठीक है। तो क्या होता है, कैंडिडेट होते हैं उसमें, क्या होते हैं कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो क्या करता है, जो सिलेक्शन के लिए खड़ा होता है, मतलब क्या उसमें जीतने हारने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा यहाँ पे दो कैंडिडेट बात हुई है, दो कैंडिडेट बात हुई है, जो पहला वाला है वो पाया है 54,295 वोट पाया है पहला वाला, दूसरा वाला पाया है 38,689 वोट। तो टोटल लोड कितना जाएगा बच्चों? टोटल लोड कितना हो गया मिला के? सर मैं बता, कितना जाएगा? सर हाँ बताइए। हाँ वन ऊपर कैरी, हाँ बोलते जाइए, फिर एट, फिर ऊपर कैरी, हाँ नाइन, इतने वोट हुए हाँ, बट क्या कह रहा है, इतने वोट हुए बट कह रहा है कि 374 वोट क्या है, बैलेट नहीं है, बैलेट नहीं थे, मतलब वो फर्जी वोट थे, क्या थे, फर्जी थे, नॉट वैलिड वोट थे, ठीक है, बैलेट नहीं थे। क्या करेंगे उनको, उनको सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा है ना, नोट कीजिए बच्चों, इतना नोट कीजिए, इतना कॉपी में, हाँ बेटा कॉपी में है, सेकेंड वाला कराइए। हाँ सर सेकेंड वाला पहले इसको कर ले कंप्लीट, अभी आंसर yes, कंप्लीट नहीं हुआ है ये, yes, कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, यहाँ लिखो, आगे लिखो, इसके बाद लिखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइन में नीचे लिखिए, इसके बाद लिखिए नीचे 3374 वोट्स
वोट वर नॉट वैलिड। वर नॉट वैलिड लिखने के बाद लिखो यहाँ पे इतनी बात लिखो, उसके बाद लिखो बच्चों नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होल्ड, लिखो टोटल नंबर ऑफ वोट वोट होल्ड इक्वल। बच्चों अभी जो आंसर आया था क्या आया था अभी माइनस कर देंगे इसमें से 374। ओके बच्चों 24 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, माइनस करके देखिए आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा बच्चों आपका इतने वोट्स क्या थे वैलिड थे, दिख रहा है बच्चों नोट कर लीजिए इतने वोट ठीक है वैलिड थे, इतने वोट लिखे वोट नोट करके लिख दीजिए आंसर बच्चों। पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ, पहला आंसर अब कंप्लीट हो गया आगे नोट कर लो बच्चों। सर मेरा हो गया ठीक है बेटा। सर हो गया के बेटा चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर कोई पढ़े सेकंड नंबर क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा सेकंड नंबर, कौन पढ़ेगा बोलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? ऋषिराज सर अब आप पढ़ने के लिए नहीं बोलते हो, पढ़ने मन नहीं लग रहा क्या आजकल? हाँ पहले पढ़ने के लिए बोलते थे कि हम पढ़ेंगे आप नहीं बोलते बेटा बोलिए पढ़ेंगे। अब आप लोग की क्लास कितनी वो है कोई नहीं बोलता हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, सब लोग मुंह बना बैठे रहते हो सर पढ़े बच्चे रुक जाओ पहले, आप लोग कोई बोलता क्यों नहीं हम पढ़ेंगे, आपको चिल्लाना पड़ता है इसके लिए आप लोग का मन नहीं करता कि लाओ हम पढ़ दें। चलिए पढ़िए ऋषिराज बेटा पढ़िए। The toss of Atala TV in 995 what is the total sold of the TV and region?
फ्रिज फ्रिज फ्रिजेस नहीं बेटा, क्या टोटल कॉस्ट हो जाएगा फ्रिज और टीवी का? एक कलर टीवी टेलीविजन है कितने रुपए का है? 19,995 टीवी का सेकंड नंबर फर्स्ट ऑफ टीवी फर्स्ट ऑफ टीवी फर्स्ट ऑफ फ्रिज सर इसका आंसर हम बताएं। हाँ बताओ बेटा। जीरो जीरो। हाँ बेटा हाँ बेटा आंसर सेकंड वाले का। हाँ टोटल कॉस्ट निकालो आप लोग, टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट का सर हम बताएं। टीवी एंड फ्रिज कौन बताएगा? सर मैं बता रही हूँ। सर मैं बताएं। सर मैं बताएं। हम बताएं कौन बताएगा? हम बताएंगे कौन बताएगा? सर इसी सर अन्य चाहिए। हम बताएंगे कौन बताएगा? नितिन बेटा बताओ। कौन सा ये होना बेटा? यस सर नितिन क्या बेटा? अभी नहीं देख रहे हैं। पढ़ाई में नहीं ध्यान दोगे तो पढ़ पड़ेगा, सब बता दे रहे हैं। 19 ये हाँ बताओ कितना हुआ? बताओ 5 5 10 दिखिए 10 का जीरो को आंसर बोलो बस। 10 का जीरो उन्होंने बताओ हमको, हमको सही आंसर बताओ। 32,990। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, किसी से पूछते तो रुक जाया करो। कितना हुआ बेटा? 18,000 और 100 बताइए बेटा। 5,000 गलत है। अब आप पढ़ाई ध्यान नहीं दे रही हो, उन्नति आपकी पिटाई होगी। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? आप बताइए बताइए। तो जीरो जीरो और अरे ऐसे नहीं सुनेंगे हम, ऐसे नहीं सुनेंगे। आप लोग को बोल बताना पड़ेगा कितने थाउजेंड है, कितने थाउजेंड बोल बताना पड़ेगा, पूरा पढ़ के बताइए। नंबर नहीं बोलिए, हम 0 2 3 4 नहीं सुनेंगे, हमको आंसर सुनना है। इसमें नंबर नेम, नंबर नेम सुनना है, जान लीजिए। 3,000 कितना बेटा? 3,000 रॉन्ग है, 3,000 नहीं होगा, रॉन्ग है। कोई और बताए? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा साक्षी रुक जाओ, साक्षी कितना बता रही हो? वेरी गुड साक्षी, साक्षी वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड बेटा। इतने रुपीज में आ जाएगा हमारा दोनों चीज, ठीक है। इसका प्राइस था हमारा टीवी का था 19,995 एंड द कॉस्ट ऑफ फ्रिज इज 12,995 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रिज एंड टीवी इज 32,990। इट इज क्लियर? क्लियर है बच्चों? ओके सर। ओके समझ आया अच्छे से? ऐड कर देना है दोनों को, जब भी क्या पूछे टोटल पूछेगा, टोटल पूछेगा तो हम ऐड करेंगे। ओके और जो बच्चे पढ़ाई मन नहीं लगा रहे हैं, पढ़ाई मन लगाइए। ओके आप लोग के हमने कितनी बार समझाया है म्यूट नहीं रहना चाहिए। हाँ कोई कुछ बोला क्या?
म्यूट मत रखिए सब लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन पढ़ेगा? ये सबका मुंह बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री कौन पढ़ेगा? क्या नाम बताइए? सर हम पढ़ेंगे। कौन सर? नाम बताइए। उन्नति। उन्नति उन्नति पढ़ो बेटा। पब्लिक। हाँ पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हैज 35,898 English book. English book 2. 478 in the book. And 6,785 other language book. Find the total number of books in the library. हाँ बच्चों क्या है? लाइब्रेरी है, एक पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे पब्लिक जा सकती है, ठीक है? पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें जो है 35,898 इंग्लिश की बुकें हैं। इंग्लिश की बुक्स कितनी है? 35,898। हिंदी की बुक कितनी है बच्चों? 24,778। एंड और अलग और अदर बुक्स भी हैं, अदर लैंग्वेज की। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। रुक जाइए बच्चों, पहले समझाने दीजिए। अदर बुक्स भी हैं, 6,785 अदर लैंग्वेज की बुक्स हैं। तो बच्चों पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, तो करिए बताइए अच्छे से। पहले कर लीजिए सब लोग। सब लोग कर लीजिए। इसका आंसर आएगा। हाँ बेटा कौन बता रहा है? साक्षी? नो सर, अनन्या सिंह। हाँ बताओ बेटा, अनन्या का आंसर बताओ। अनन्या का आंसर देनी बताइए। 67,161 ये दिया आपने ना? यही आपने दिया ना आंसर? नो सर, अनन्या। हाँ यही आंसर दिया ना आपने? यही आंसर दिया है? यस सर। ठीक है बेटा, और किसका आया बताइए। सर ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रही है अनन्या? थ्री वाला बोल रही है। आप लोग देखिए, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए तो सही। यही सही है, अनन्या थ्री नंबर बता रही है। और किसका भी यही आ रहा है? साक्षी का भी यही आ रहा है क्या?
यस सर सर मेरा भी है सर मेरा भी है यार का सब ये आ रहा है तो वेरी गुड बच्चों यही आंसर होगा यही आंसर होगा ठीक है किसी को ना आया बताओ बच्चों किसी को ना आया बता दें सुनाया हो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पे चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर कौन पढ़ेगा आकाश पढ़िए आप आकाश पढ़िए शांत आकाश पढ़ेंगे आकाश पढ़ेंगे रुक जाओ बोलो क्या बात है बोलिए क्या बात है सर आकाश के पास बुक ही नहीं है हाँ सर आकाश के पास बुक ही नहीं है सर मैं पढ़ूं आकाश क्या बोल रहे रुकिए आकाश बताइए क्या बात है सर बुक नहीं है मेरे पास बेटा कब तक बिना बुक के पढ़ोगे बताइए सर हम लोग कब तक रुक जाइए कब तक बिना बुक के पढ़ेंगे बेटा आप सर सुनिए बोलिए हम लोग को बाकी सब खुद से करने दीजिए हाँ सर बाकी सर नंदनी मत बोला करो जब कोई बोलता रहा करे एक लोग ना बोला करो हमको समझ नहीं आता क्या बोला गया आप लोग को क्वेश्चन दे करने के लिए सर कह रहे हैं कि बाकी सारा आंसर हम लोग को खुद से करने दीजिए तो वही करवा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं बेटा आप मत करवाइए सर हम लोग को खुद से करने दीजिए अपनी कॉपी में हाँ बेटा वही करवा रहे हैं ठीक है अभी अभी करवाया नहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप लोग से सर ब्लैक बोर्ड पे मत करवाइए हम लोग कर लेंगे अरे भाई अभी कहाँ करवाया थर्ड नंबर क्वेश्चन कहाँ कराया मैंने ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर सर करवा चुके हैं क्या अरे भाई थर्ड नंबर इन्होंने आंसर दिया हमने लिख दिया बाकी करने का आप ही को दिया था मौका आप लोग को सर आप मौका दिया था करने का खुद कर लेंगे हम लोग खुद अपना आंसर कर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर कोई पढ़ेगा पढ़िए अनन्या पढ़ू कौन क्या नाम है अनन्या पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर शांत रही सब लोग क्यों अनन्या बोलेंगी बोलिए बेटा कॉस्ट बेटा तो पढ़ो ना कॉस्ट तेजी पढ़ो तेजी में ताकत लगा के द कॉस्ट ऑफ द ऑफ अ शॉप इज टू लैख 35,465 द क्लोस्ट ऑफ अ हाउस इज 1,07,475 मोस्ट More than the shop. What is the cost of the house? बच्चों house का cost क्या होगा? देखो बच्चों एक shop का दिया हुआ है, shop का दिया हुआ है, ये cost. और दुकान का जो है, दुकान का दिया हुआ है shop का. और house का जो है, हमारा जो cost है 1,07,475 more than है, मतलब उससे ज्यादा है. तो house का पूछा क्या cost होगा? बच्चों क्या करेंगे हम शॉप के कॉस्ट में जो ज्यादा वाला कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे हाउस का कॉस्ट आ जाएगा ओके जल्दी से करके बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर फोर जल्दी से बताइए सब लोग करिए क्या आंसर होगा जल्दी बताइए आवाज नहीं आ रही है थ्री हाँ फोर्थ वाला 3,42,000
940 कौन आंसर दे रहा है बेटा अनन्या सिंह बोलिए अनन्या 3 लाख 3 लाख 42,000 हाँ बेटा आगे 940 यस सर वेरी गुड ये कॉस्ट होगा इतने रुपीस होगा कॉस्ट ओके बच्चे नोट कर लीजिए हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर ओके अनन्या ओके साक्षी आकाश ठीक है नंदनी मंगरा रूपाली रिया ऋषिराज ईशा उन्नति प्रॉब्लम आप लोग को प्रॉब्लम है क्या नो सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है बेटा सबको तो आ रही है हमारी आवाज सर आ रही है आवाज हाँ बेटा ठीक है किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना नो सर आवाज नहीं आ रही है ठीक है बेटा फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अब और देखेंगे क्वेश्चंस को ठीक है आप लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा ओके बच्चों बाय 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 सर सर